इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 10.5 का प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है कि दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आकृति है ये प्रश्न नंबर 9 के लिए है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए, इसमें हमें कोण ए सी पी यानी कि ये वाला कोण और कोण क्यू सी डी यानी कि ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए, इसको बराबर सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर दोनों ही वृत्तों में एक एक रचनाएं करनी पड़ेंगी। रचना क्या करनी पड़ेंगी कि इस वृत्त में जो ये बिंदु P और A है, इन दोनों को हम ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बिंदु P और A को मिलाया, यानी कि ये हमारा एक जीवा हो गया इस वृत्त का। ठीक है, इसी तरह से इस वृत्त में भी हम बिंदु D और Q को मिलाएंगे। इस तरह से हम ये बिंदु D और Q को मिलाएंगे तो ये भी हमारा एक तरह से जीवा हो गया। ठीक है, तो ये हमने दो रचनाएं की हैं दोनों ही वृत्तों में। अब ये दोनों रचनाएं हमने क्यों की है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने जो रचना किया है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। हमने रचना क्या किया है कि हमने यहाँ पर दो बिंदुओं कौन कौन से हैं पहले वृत्त में, बिंदु ए और पी, तथा दूसरे वाले वृत्त में हमने बिंदु डी और क्यू, इनको मिलाया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो हमने रचना किया ये यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपना हल। तो हल में देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कोण ए सी पी यानी कि ये वाला कोण और कोण ए बी पी यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले लिखेंगे कि कोण ए सी पी बराबर होगा कोण ए बी पी के। अब ये क्यों होगा ऐसा, देखिए यहाँ पर देखिए, जो हमने ये रचना किया है पी ए, ये क्या कर रहा है कि इस वृत्त को दो वृत्त खंडों में बांट रहा है। एक तो ये छोटा वाला वृत्त खंड और एक ये बड़ा वाला वृत्त खंड। तो जैसा कि हमारा प्रमेय है कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण एक ही वृत्त खंड में बन रहे हैं, इसलिए ये दोनों यहाँ पर बराबर हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों को बराबर लिखा है। इसी तरह से इस वाले वृत्त में भी देखिए कि हमारा ये कोण क्यू सी डी यानी कि ये वाला कोण और कोण ये वाला यानी कि कोण क्यू बी डी, ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको लिखेंगे कि कोण क्यू सी डी बराबर होगा कोण क्यू बी डी के। और इसका भी सेम रीजन है, यानी कि ये जो हमने यहाँ पर रचना किया है ये क्या कर रहा है, इस वृत्त को दो वृत्त खंडों में बांट रहा है, एक तो ये वाला और एक ये छोटा वाला। ठीक है, तो ये दोनों कोण एक ही वृत्त खंड में बन रहे हैं, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया कि हमने ये दो रचनाएं क्यों किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने लिख लिया। अब दोनों का ही रीजन सेम होगा, इसलिए यहाँ पर हम दोनों के रीजन में सेम लिखेंगे, क्या कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब इसके अलावा एक और चीज देखिए कि हमारा ये कोण ए बी पी यानी कि ये वाला कोण और कोण क्यू बी डी यानी कि ये कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण ए बी पी बराबर होगा कोण क्यू बी डी के। अब ये दोनों आपस में क्यों बराबर होंगे, इसका रीजन सुनिए। देखिए, ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं और शीर्षाभिमुख कोण हमारे बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों भी बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी हमने यहाँ पर रीजन लिख लिया, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए, इसको हम यहाँ पर समीकरण एक कह देंगे, इस वाले को समीकरण दो, और ये जो हमारा तीसरा है इसको समीकरण तीन कह देंगे। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कि समीकरण एक दो और तीन, तो तीनों को अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो समीकरण एक दो व
तीन से हमें क्या निष्कर्ष निकल के आएगा? ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कोण ACP और कोण ABP ये दोनों बराबर हैं, और यहाँ पर कोण ABP जो है वो कोण QBD के बराबर है। यानी कि ये दोनों अगर बराबर हैं और कोण ABP अगर कोण QBD के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये ACP भी कोण इस कोण QBD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और ये भी हमारा इसके बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर हो गए। और यहाँ पर कोण QBD जो है वो कोण QCD के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे ही ये जो कोण है चारों, ये आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ACP ये हमारा बराबर है किसके? कोण ABP के। और ये किसके बराबर है? कोण QCD के। और ये किसके बराबर है? कोण QBD के। यानी कि चारों ही कोण आपस में बराबर हो गए। ध्यान से समझिए, एक बार और समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए, यहां पर कोण ACP और कोण ABP ये तो सिंपल सा है कि दोनों बराबर है, और यहां पर कोण जो ABP है वो यहां पर भी है, और यहां पे हमारा कोण ABP किसके बराबर है? कोण QBD के बराबर। तो इस तरह से हमारा अगर ABP इस QBD के बराबर है, तो कोण QBD जो है वो इसके भी बराबर होगा, यानी कि ACP के। तो इस तरह से ये भी आपस में ऑटोमेटिकली बराबर हो गए, और यहां पर कोण QBD जो है वो कोण QCD के भी बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोण ACP और कोण QCD ये दोनों भी बराबर हो गई, यानी कि चारों ही कोण आपस में बराबर हो गए। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर चारों कोण बराबर हैं, इसलिए यहां पर हमारा कोण ACP यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण QCD के। तो इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो जाता है जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि कोण ACP बराबर कोण QCD सिद्ध कीजिए, तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपने ध्यान रखें। धन्यवाद।